डन, स्टार्ट हो गया। ठीक है, गेट लॉस्ट। चलिए, तो हम आवेश एवं विद्युत क्षेत्र का पार्ट सिक्स अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन बहुत ही दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे आज अपन बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। कल मैंने आप लोगों को दो पॉइंट्स के बारे में आपको बात की थी। पहला था विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, और एक था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। थोड़ा सा इसको एक मिनट के लिए इसको थोड़ा फिर से दोबारा इसको अपन समझते हैं। देखो, विद्युत द्विध्रुव मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब कभी अपन दो विपरीत आवेशों को बहुत ही कम दूरी पर रखा जाए, जैसे कि अगर मैं बात करूं दो आवेश हैं, एक प्लस है एक माइनस है, अगर मैं इन दोनों आवेशों को बहुत ही कम दूरी पर रखूं तो इस तरह के निकाय को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव को कहते हैं। माना कि इनकी बीच की दूरी मैंने 12 बोल दी। ठीक है, अब अपन बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। देखो, अपन जो क्या करेंगे, इनमें से किन्हीं भी एक आवेश तथा इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी कितनी है, 2L है, का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे अपन P से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपन की दो दो अपनी बातें हो गई। पहली अपनी बात क्या थी, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं कि देखो, जब किन्हीं भी दो विपरीत आवेशों को बहुत ही अल्प दूरी पर रखा जाए तो हम उसे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे अपन बोलते हैं, जब किन्हीं भी एक आवेश तथा किन्हीं भी इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को अपन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये आघूर्ण शब्द आ गया, आघूर्ण, तो आप समझ जाना कि यहां होता है P, यह आएगा फॉर्मूला। जैसे ये आघूर्ण शब्द आ जाए तो आप समझ जाना एक सूत्र की बात हो रही है। ठीक है, अब अपन दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति क्या है, इस स्थिति में छोटे द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमित करो। देखो, चलो इसको समझते हैं। देखो, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति क्या होती है, सबसे पहले हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जब आप कहीं पर भी दो विपरीत आवेशों को बहुत ही अल्प दूरी पर रखा जाता है, इस निकाय को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये तो हो गया अपना विद्युत द्विध्रुव। अब ये बोला गया है कि विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति क्या होती है। माना अगर कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, देखो ऐसा कोई बिंदु जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वह बिंदु क्या हो, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर निर्भर हो, अक्ष पर स्थित हो। यानी कि देखो, इसे बोलते हैं अपन अक्ष, मतलब इसे अगर कोई बिंदु यहां स्थित है, यहां इस रेखा पर कहीं पर भी स्थित है, इस रेखा पर या इस रेखा पर कहीं पर भी स्थित है, तो उसे हम बोलते हैं अक्षीय बिंदु बोलते हैं, तथा उस स्थिति को बोलते हैं अपन अक्षीय स्थिति बोलते हैं। तो अच्छी स्थिति की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो जब ऐसा कोई बिंदु जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वह विद्युत द्विध्रुव को बढ़ाने पर, अक्ष की दिशा में आगे बढ़ाने पर मिलता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति कहते हैं। तो अब हमें यहां पर हमें इसकी क्या करनी है, तीव्रता हमें इसकी क्या करनी है, इस बिंदु पर हमें इसकी तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो, अपन क्या करेंगे, माना कि ये बिंदु अपन ने ले लिया पी है, ये बिंदु, ठीक है, और इसका द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है माना कि ओ है। इस ओ से ये बिंदु पी जो है माना आर दूरी पर है। समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं डाल देता हूं इस पर, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहां से ये बिंदु जो है आर दूरी पर स्थित है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस बिंदु पर अब मुझे क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक ऐसा मान लूंगा कि यहां पर एक मैं
परीक्षण आवेश रखूंगा, एक परीक्षण आवेश, परीक्षण एकांक आवेश रखूंगा, परीक्षण एकांक आवेश, एकांक आवेश जो कैसा है, धन आवेश मानेंगे अपन इसको, परीक्षण एकांक धन आवेश, परीक्षण एकांक धन आवेश मानेंगे कि इस बिंदु P पर ऐसा मान लें कि ऐसा कोई एक आवेश रखा हुआ है जिसका मान एकांक है यानी कि एक है और वो कैसा है, धन आवेश है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसकी वजह से माइनस क्यू की वजह से इस पर क्या तीव्रता आ रही होगी। तो कल अपन ने तीव्रता का एक सूत्र अपन ने कल ड्राइव किया था, उसी को अपन यहां पर लेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे माइनस क्यू के कारण, क्यू के कारण बिंदु बिंदु पी पर, बिंदु पी पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता। देखो सिंपल सी बात, अपन इसको इवन मान लेते हैं, इवन बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ले लिया इसको, क्यू क्यू ले लिया बटे में, देखो बीच की दूरी क्या होगी, अब हम बात करेंगे इसके बीच की दूरी की। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर ये पूरा 2L है, ये पूरा अगर 2L है तो ये कितना हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक L हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, तभी ये L होके होगा ना 2L, ये भी L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, मुझे ये वाली दूरी चाहिए, यहां से लेके यहां तक की दूरी। तो ध्यान देना, देखो L प्लस R, देखो L भी जुड़ जाएगा इसके अंदर, R भी जुड़ जाएगा। ऐसा करते हैं अपन, इसको मैं और अच्छे से समझा, इसको A ले लेता हूं, इसको मैं B ले लेता हूं। ठीक है, अब देखते हैं अपन को कहां से कहां तक की चाहिए दूरी, अपन को ए पी दूरी चाहिए, अपन को ए पी स्क्वायर आएगा, सिंपल सी बात है। अगली लाइन में देखते हैं अपन, इवन बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में, देखो ए पी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, आर प्लस के एल, आर प्लस के एल का होल स्क्वायर हो जाएगा सूत्र के हिसाब से। ठीक है, अब इसकी दिशा किस तरफ होगी, दिशा यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो सिंपल सी बात है, अगर ये माइनस है और ये कैसा है, धनावेश है, प्लस का है, तो सिंपल सी बात, ये क्या होगा, आकर्षण बल होगा, यानी कि इसकी जो दिशा जो होगी जो P से B की ओर होगी, दिशा जो होगी दिशा P से B की ओर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे इस प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण, देखो प्लस Q के कारण सिंपल सी बात है, यहां पर ही मैं यही सूत्र लगाऊंगा, E2 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब यहां दूरी कितनी है, देखो B P दूरी है, इस बिंदु P पर क्या दूरी हो जाएगी, BP जाएगी, BP का होल स्क्वायर। अब इसके आगे धर्म यहां यहां कर लेता हूं सॉल्व, इसको हटा देता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, इस BP का मान कितना होगा, इस BP का मान, इस BP का मान होगा, इस R में से अगर मैं ये L हटा दूं तो ये BP आ जाएगा अपने पास, then E2 बराबर 1 upon 4 pi epsilon naught Q बटे में R minus L का होल वर्ग। इसकी दिशा कैसी होगी, इसकी दिशा देखो क्या होगी, देखो सिंपल सी बात है, ये दोनों क्या कर रहे होंगे, देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, क्या कर रहे होंगे, दूर भाग रहे हो एक दूसरे से। ठीक है, ये क्या कर रहा होगा, इससे क्या हो रहा होगा, इससे दूर भाग रहा हो, इसकी दिशा इधर होगी। अगर मैं बात करूं, देखो इवन की दिशा कैसी आएगी, इधर इवन की दिशा आएगी इधर। ठीक है, और ई टू की दिशा आएगी थोड़ा सा दूर भाग रहा होगा, दूर ई टू की दिशा आएगी ऐसे। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूं इधर, बी से पी की उल्टी हो जाएगी, उल्टी जाएगी दिशा इस बार। ठीक है, अब मुझे निकालना है परिणामी तीव्रता निकालनी है, अब मुझे निकालनी है परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता निकालनी है मुझे। अब परिणामी तीव्रता निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका मुझे सदिश जोड़ करना पड़ेगा, सदिश जोड़ करने के लिए मुझे इसकी दिशा क्या करनी पड़ेगी, पलटनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसकी दिशा पलटूंगा तो बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो परिणामी तीव्रता अगर मैं निकालना चाहूं E बराबर
क्या आ जाएगी E2 माइनस के E1, E2 माइनस के E1। देखो मुझे इन दोनों को परिणामी तीव्रता निकालनी है, तो इसकी दिशा इधर है, देखो ये यहां भाग रहा है, ये यहां भाग रहा है, लेकिन इसका देखो इसकी ताकत ज्यादा है क्योंकि ये इसके पास में भी है, तो सिंपल सी बात है E2 की ताकत क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये भागेगा किधर, इधर भागेगा, ये इधर भागेगा दूर की तरफ, तो भागेगा ये इधर, तो मुझे इसको इसमें से घटाना पड़ेगा, तो घटा के इसकी एक क्या आ जाएगी परिणामी तीव्रता निकल के आ जाएगी। तो अब बस सबके मान रख दो, E2 का मान क्या आया था अपने पास, ये वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इवन का क्या आया था फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर प्लस एल का होल वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, इन सब में से मैंने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, इसके अंदर रह जाएगा 1 अपॉन में आर माइनस एल का होल वर्ग माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल वर्ग, ठीक है। चलिए अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इसका अपन लेंगे एलसीएम लेंगे, तो इधर आ जाएगा आर माइनस एल का होल वर्ग, इधर हो जाएगा R प्लस एल का होल वर्ग, तो ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, R प्लस एल का होल वर्ग माइनस R माइनस के L का होल वर्ग। अब देखो आप इसको जरा सॉल्व करोगे, इस ब्रैकेट को जरा खोलोगे तो देखो क्या जाएगा, देखो R वर्ग प्लस L वर्ग प्लस 2RL, इधर देखो इसको खोलोगे तो माइनस के R वर्ग माइनस के एल वर्ग, और जो माइनस वाला है वो जाएगा प्लस, प्लस टू आर एल, आप ट्राई करके देखना यही आएगा आंसर, इधर आर माइनस एल, इधर आर प्लस एल, इस पूरे का मैं कर दूं होल वर्ग, इन दोनों को मिला के मैंने एक पूरा लगा दिया होल वर्ग। अब देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा, देखो टू आर एल, टू आर एल, ये कितना हो जाएगा, चार आर एल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4RL अपॉन में, यहां देखना, यहां देखना एक सूत्र बन रहा है, देखो यहां पर देखो a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये सूत्र आप लोगों को याद होगा, मैं यहां लिख देता हूं a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो यहां इसका सूत्र निकल के आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस के एल वर्ग का होल वर्ग, ठीक है। मैं थोड़ा यहां पर सॉल्व कर देता हूं, यहां सॉल्व कर देता हूं, देखो अब इसको देखो ध्यान से देखना, अपने पास परिणामी तीव्रता निकल के आई है E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 आर एल अपॉन में आर वर्ग माइनस के एल वर्ग का होल वर्ग, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना, इस ऊपर वाले चीज को ध्यान से देखना, अभी मैंने आप लोगों को दो ध्रुव का एक सूत्र बताया था, क्या होता है P बराबर Q इंटू टू एल, P बराबर क्या था Q इंटू टू एल। देखो अब ऊपर वाले को मैं थोड़ा सा देखो तोड़ के दिख रहा हूं, ये तो सब ऐसा ही है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो Q तो लिखा ही हुआ पहले से, R को मैं इसको देखो इसको 2L को मैंने अलग कल को मैंने दो जगह बांट दिया, देखो मैंने क्या किया इस चार को मैंने दो इसको दे दिए दो इसको दे दिए, देखो 2L और 2R हो जाएगा ये अपॉन में R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर का होल वर्ग। अब इसे देखो ये क्या बन गया P, ये बन गया P, यहां से देखो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P P गुणा 2R अपॉन में आर स्क्वायर प्लस माइनस एल स्क्वायर का होल वर्ग, ये अपना सूत्र हो गया। अब अपन को यहां से एक चीज और देखनी, माना कि अगर ये बिंदु P जो है बहुत दूर है, यानी कि ये दूरी ये R जो है बहुत दूर है, अगर मैं बोलूं R अगर बहुत बहुत बड़ा है L की तुलना में,
आर जो बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये आर अगर बहुत बड़ा है, यानी कि एल को मैं लगभग मान लू, जीरो मान लू एल को लगभग मैं, क्योंकि अगर आर अगर बहुत बड़ा है तो इसका वर्ग हो जाएगा तो ये और बड़ा हो जाएगा, और एल तो हो ही गया बहुत कम, तो इसको मैं लगभग जीरो मान लेता हूं एल को, तो यहां से ई का सूत्र निकल के आ जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी इंटू टू आर बटे में, ये लगभग जीरो है, और ये तो जाएगा फिर आर की घात चार हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें से मैं अगर एक आर और एक आर काट दो, तीन आर हो जाएंगे यहां पे, तो ई बराबर यहां से देखना वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे में आर क्यू, दिखा देखो यही अपना आंसर है, ये अपना आंसर है, एक टू रह गया होगा टू पी, ठीक है। तो E बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी अपॉन में आर क्यू। अब आप इस वीडियो को दो बार देखना, एक बार में नहीं आएगा समझ में ये डेरिवेशन, इसको दोबारा देखना, ये आपको डेरिवेशन अच्छे से आना चाहिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसमें आप देख लेना इसके आगे। इसके अंदर आपको यही नोट करना है डेरिवेशन, ठीक है, पूरा आप नोट कर लेना अपनी कॉपी पर, यही वाला डेरिवेशन पूरा, इसकी भाषा का आपको मैं फोटो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसकी लैंग्वेज, ठीक है, डेरिवेशन आपको यही लिखना है पूरा, भाषा में आपको इसकी स्क्रीन पर आपकी आ रही होगी, इसे आप लिख लीजिए भाषा को। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने पास, निरक्षीय स्थिति क्या होती है, सेम वो ये, इस स्थिति में छोटे दो ध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमित करो। तो देखो इससे पहले अपन देखी थी अच्छी स्थिति, अब क्या अपने पास निरक्षीय स्थिति है, तो इसके अपन क्या करना है, सबसे पहले अपन बनाएंगे कि दो ध्रुव, सबसे पहले अपन लेंगे, अपन क्या लेंगे, अपन दो आवेश लेते हैं, विपरीत आवेश, एक ले लिया अपन ने माइनस, एक ले लिया अपन ने प्लस, ठीक है, सिंपल सी बात है, इनके बीच की दूरी वही फिक्स है अपनी 2L, बीच की दूरी ले ली अपन ने इसकी 2L। तो देखो निरक्षीय स्थिति क्या होती है, देखो ऐसा कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ध्यान सुनना, ऐसा कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो विद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित हो, उसे हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। लंबार्धक, लंब प्लस अर्धक, लंबार्धक संधि विच्छेद हो गया, देखो लंब प्लस अर्धक, देखो इस पर लंब डालूंगा साथ साथ इसको क्या करूंगा, इसको आधा आधा भी करूंगा, तो यहां कोई बिंदु पड़ेगा मुझे यहां, ठीक है, तो ऐसा कोई बिंदु जो इसके लंबार्धक पर स्थित हो, तो ये सारे बिंदु यहां पर जो आएंगे, ये सारे बिंदु यहां के इस लाइन पर जितने भी आएंगे बिंदु, वो सारे के सारे कैसे होंगे, निरक्षीय स्थिति में होंगे। तो अब अपन को माना कि यहां कोई बिंदु P है, इस पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को ज्ञात करनी है। तो देखो इसको अपन देखो कैसे अपन इसको ड्राइव करेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, माइनस क्यू की वजह से सेम, सबसे पहले मैं इनको मिला देता हूं इन सारी रेखाओं को, ठीक है, माना कि ये बिंदु मैंने मान लिया O है, ये बिंदु मैंने मान लिया R है, ठीक है, इसे मैंने A नाम दे दिया, इसको मैंने B नाम दे दिया, पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस से जो AP जो निकल के आ जाएगा, जो AP जो होगा वो अंडर रूट में आप जानते होंगे, देखो ये अगर 2L है तो ये पूरा L होगा, ये भी कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, सेम ऐसे ही ये भी कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस बिंदु पी पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू इसकी वजह से, देखो मैं क्या मानूंगा यहां पर, मैं वही बात देखो अभी मैं एकांक धनावेश मानूंगा, क्या मानूंगा यहां पर, एकांक धनावेश रखा हुआ है, ऐसा मान लेना मन में कि यहां पर एकांक धनावेश रखा हुआ है, लिखना नहीं है बस आप
मान लेना कि यहां पर क्या रखा हुआ है, एकांग धनावेश रखा हुआ है। तो अगर ये माइनस है और ये प्लस है तो क्या हुआ, आकर्षण होगा। तो ये इसको क्या करेगा, अपन जब खींचेगा तो मान लीजिए ये जैसे खींच रहा है तो इसको मैंने नाम दे दिया E1, इसको मैंने नाम दे दिया। तो माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 बराबर क्या हो जाएगी, E1 बराबर 1/4πε0Q बटे में क्या हो जाएगी, ये बीच की दूरी कितनी है, अंडरवुड में R² + KL² का होल वर्ग। तो होल वर्ग है तो इससे क्या हो जाएगी, हट जाएगा। तो E1 का मान क्या आ जाएगा, 1/4πε0Q बटे में R² + KL² वर्ग से क्या हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा। इसकी दिशा क्या होगी, P से A की ओर। ये हो जाएगी इसकी दिशा, देखो ऐसी है ना, P से A की ओर इसकी दिशा है। सेम ऐसे अपन यहां पर देखेंगे प्लस Q के कारण तो प्लस क्यू कारण भी देखो E2 का मान निकालेंगे अपन, वही निकल के आ जाएगा सेम टू सेम, वही बिल्कुल अंतर नहीं होगा मान में, 1/4πε0Q बटे में अंडरवुड में R² + KL² का होलवर्ग। होलवर्ग से इसका वर्गमूल हट जाएगा, देन E2 का मान निकल के आ जाएगा 1/4πε0Q बटे में R² + KL², लेकिन इसकी दिशा कैसी होगी, देखो ये भी प्लस है ये भी कैसा है, प्लस है, तो क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भागेगा, इधर आ जाएगी इसकी दिशा, कैसी आ जाएगी इसकी दिशा, इधर आ जाएगी, इससे दूर भागेगा, यानी कि बी से पी की ओर, पी से पी की ओर, या फिर पी से दूर कर देना, पी से दूर की ओर, ठीक है। ये इसकी अब समझना, देखो अब इसके बाद इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग देखो समझने का। देखो मुझे एक सिंपल सी बात हो, अगर मैं यहां पर एक समांतर रेखा खींच देता हूं, एक समांतर रेखा ऐसे, एक मिनट, ये लाइन मैंने यहां पर खींच दी। अब देखो अगर ये कोण थीटा है, अगर ये कोण थीटा है, मैं सिंपल सी बात, अगर ये कोण थीटा है तो क्या ये कोण भी थीटा हो जाएगा। मैंने बोला माना कि ये कोण थीटा है तो ये भी हो जाएगा थीटा, किससे, एकांतर कोण से, ठीक है। अगर ये कोण थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, किससे, संगत कोण से। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये E1 है, ये E2 है, ये क्या है, E2 है। अब मुझे इस E1 को मुझे तोड़ना है, इस E1 को मुझे तोड़ना है। देखो मैंने आप लोगों को 11th क्लास में भी आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जैसे मान लीजिए कोई फोर्स, कोई बल है, ये जमीन के साथ थीटा कोण बना रहा है, अब मुझे इसे दो घटकों में तोड़ना है, तो थीटा के साथ ये बनाता है कॉस थीटा वाला घटक, और थीटा से दूर बनाता है ये साइन थीटा वाला घटक। सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज अपन यहां पर लगाएंगे, जो थीटा से चिपका हुआ है, देखो ये E1, वहां लगाएंगे अपन E1 कॉस थीटा, जो थीटा से जो दूर है, मतलब यहां ये लग जाएगा E1 cos थीटा, यहां लग जाएगा E1 sin थीटा, लग गया यहां पर। सेम ऐसे ही अपन इसको तोड़ेंगे, इस E2 को, जो थीटा से जो चिपका हुआ है, जो थीटा से चिपका हुआ है वो बन जाएगा अपना E2 cos थीटा, जो थीटा से चिपका हुआ है वो बन जाएगा E2 cos थीटा, जो थीटा से दूर होगा, देखो ये है, इसे क्या है, दो एक दूसरे के लंबवत घटकों में तोड़ना है, तो इसके लंबवत क्या होगा, ये, और देखो इसके लंबवत आप लोगों को मैं समझाता हूं, ये लाइन है, ये लाइन है, तो ये देखो ये दोनों इसके क्या हो गए, लंबवत हो गए। सेम ऐसे अगर ये लाइन है, मुझे इसे तोड़ना है दो घटकों में, देखो एक तो ये टूट जाएगा, एक इसके लंबवत, यानी कि ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, तो यानी कि ये ऊपर भी ये टूट जाएगा अपना,
ई टू साइन थीटा में, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इधर लिखना ईवन, तो ईवन कॉमा ई टू को घटकों में तोड़ने पर, ईवन कॉमा ई टू को दो दो घटकों में तोड़ने पर, तोड़ने पर देखो, तोड़ने पर जो क्या हुआ, देखो जो इवन साइन थीटा है, जो ई टू साइन थीटा है, ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो तोड़ने पर अगर ये दोनों देखो, अगर इवन ई टू बराबर हैं, ये एक आदमी ऐसे खींच रहा है आपको, एक आदमी आपको ऐसे खींच रहा है, एक आदमी आपको ऐसे खींच रहा है, दोनों के बल कैसे हैं, अगर बराबर हैं तो आप क्या करोगे, कहीं नहीं जाओगे, ये दोनों एक दूसरे के बल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो सेम ऐसे यहां पर है, ये इसको यहां खींच रहा है, ये इसको यहां खींच रहा है, तो क्या हो जाएगा, कोई नहीं पड़ेगा फर्क, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। दो घटकों में तोड़ने पर जो इवन साइन थीटा, इवन साइन थीटा कॉमा ई टू साइन थीटा के घटक एक दूसरे को समाप्त कर देंगे, एक दूसरे को समाप्त कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इन दोनों घटकों की, इवन कॉस थीटा और ई टू कॉस, देखो इवन ई टू क्या है, बराबर है, ये ध्यान रखना, इवन ई टू क्या बराबर है, तभी ऐसा होगा। आप ये सोचोगे ये सर ये बराबर कैसे होगा, ये तो इवन है, ये तो ई टू है, क्योंकि इवन ई टू क्या है, बराबर है, यहां लिख देना, क्योंकि इवन बराबर ई टू है, यहां से इवन बराबर क्या है, ई टू है, यहां से निकल के आ गया, देखो सेम ही तो है, दोनों सेम ही है, इस वजह से क्या हो गए, इवन साइन थीटा और ई टू साइन थीटा क्या हो गए, बराबर हो गए और एक दूसरे के उल्टे भी है, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। अब बच्चे ये वाले घटक इवन कॉस थीटा और ई टू कॉस थीटा वाले घटक, ये घटक क्या है, एक दूसरे की दिशा में, देखो ये बिंदु है, ये भी इसको इधर खींच रहा है, ये भी इसको इधर ही खींच रहा है, तो इस बार क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे इनकी ताकत। अगर आप लोगों को, अगर कोई दो व्यक्ति अगर आपको एक हाथ से दोनों इसी में अगर खींच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों की ताकत क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, तो इस बार क्या हो जाएगा, एक दूसरे को समाप्त कर देंगे, तथा इवन कॉस थीटा कॉमा ई टू साइन थीटा, सॉरी ई टू कॉस थीटा वाले घटक जुड़ जाएंगे, अतः परिणामी तीव्रता, अतः परिणामी तीव्रता जो निकल के आएगी, ई बराबर क्या है, ईवन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा। अब इसमें क्या है, चूंकि ईवन बराबर ई टू है, तो ई बराबर टू ईवन कॉस थीटा, दोनों क्या है, बराबर है, इवन बराबर ई टू, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो एक और एक दो, टू इवन कॉस थीटा। अब बस यहां पर इवन का आप क्या करो, मार रख दो यहां से उठा के, टू इंटू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। अब मुझे चाहिए कॉस थीटा का मान, देखो अब मुझे चाहिए इस कॉस थीटा का मान, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, यहां से अगर मैं आपको निकालूं त्रिभुज पी ए ओ में अगर ये थीटा है, तो कॉस थीटा में अपन जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहां पे देखो आधार क्या है, यहां पे आधार क्या है, एल है, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, एल अपॉन में, यहां कर्ण क्या है, कर्ण ये होता है अपने पास, तो कर्ण क्या है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। तो यहां पर आप इसको कॉस थीटा का मान यहां पर रख दोगे, तो ई बराबर निकल के आ जाएगा टू इंटू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। अब इसका मान रखोगे मल्टीप्लाई बाई एल अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर।
अब देखो, अब मैंने आपको बताया था P बराबर क्या होता है, Q into 12 होता है। अब ऊपर देखना ध्यान से, E बराबर ये क्या बन रहा है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। तो देखो ऐसा जैसा ये क्या बन जाएगा, P बन जाएगा, ये अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर की घात 3/2 हो जाएगा। देखो इसकी घात एक है, इसकी घात बोलूंगा 1/2 हो जाएगी, क्योंकि रूट की घात क्या होती है, 1/2 होती है, तो 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। ये बन जाएगा P ऊपर वाला, ये Q और ये 2 इसके साथ गुणा होकर बन जाएगा P। चलिए अब मैं बोलूं, अब मैं यहां पर कर देता हूं, अगर छोटा द्विध्रुव है, छोटे द्विध्रुव के लिए देखो, छोटे द्विध्रुव के लिए क्या होगा, ये जो R है ना, जो R बहुत बहुत बड़ा होगा, किसकी तुलना में, L की तुलना में। माना कि ये बिंदु जो बहुत दूर है, इसकी तुलना में, L की तुलना में, तो क्या हो जाएगा, ये लगभग, ये जो L है लगभग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नगण्य मान लेते, नगण्य मतलब लगभग जीरो हो जाएगा। तो E का मान क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे में, ये जीरो है लेकिन आर स्क्वायर तो है, और इसकी घात क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। तो E का मान क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे में आर क्यू, यह आ जाएगा E का मान। तो ये दोनों आपके डेरिवेशन हो गए अच्छी स्थिति और नच्छी स्थिति के। ये दोनों डेरिवेशन आपको बार बार ट्राई करने अपने हाथों से, इसे आप नोट कर लें, इसकी भाषा आपके स्क्रीन पर आ जाएगी, उसे लिख लेना, ये दोनों आप अच्छे से आप नोट कर लें अपनी कॉपी पर। और इसके अंदर कोई भी अगर आपको चीजें नहीं आती है समझ में, तो आप मुझे मैसेज कर देना नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए तो अभी अपन आज अपन इतना ही रखते हैं।